This conference will now be recorded. So, as I was talking about business analytics, अभी जो बड़ी बड़ी कंपनी है लाइक Amazon वगैरह, ठीक है, Amazon है या your Google, प्लीज चेक आउट दैट दीज वेबसाइट. अभी ये आपको मालूम है बट ये करते कैसे वो भी बताता हूँ मैं, ठीक है. गूगल और Amazon या जो भी आप Flipkart वगैरह है, तो जब भी आप कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हो और उसके ऊपर जो प्रोडक्ट आप सर्च करते हो, प्रोडक्ट सपोज मैंने एक सैंपल के बेसिस पे अगर लिख दिया, अभी रिसेंटली नया मोबाइल जो है सपोज सैमसंग A80, राइट, तो ये वाला फोन मैंने सर्च कर दिया पर्टिकुलरली सैमसंग A80 फोन. तो What happens is ये जो कीवर्ड मैंने जो सर्च किया हुआ है वो गूगल के पास उसके सर्च इंजन के क्यूरी में आ जाता है, क्यूरी में आ जाता है, क्यूरी मतलब व्हाट आर यू सर्च अबाउट, ठीक है, तो वो उसके सर्च इंजन के क्यूरी में आ जाता है. अब आपने लॉग इन भी करके रखा है, जीमेल का पासवर्ड यूजर नेम डाल के आपके वेब ब्राउजर में वो इंफॉर्मेशन रहती है कि दिस जीमेल आईडी बिलोंग्स टू अ पर्सन. इसके अलावा आपके पास जीपीएस लोकेशन रहता है मोबाइल में, इवन लैपटॉप्स डू हैव लाइक जीपीएस कैपेबिलिटीज, और आपके आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो जो प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस बोलते हैं उसको, जो हर एक का कंप्यूटर का एड्रेस होता है, ठीक है, ये भी उनके पास होता है. अब इससे लोकेशन समझ में आता है उनको, ये बाय हुक और क्रुक. नो द फेसबुक तो कमिट कर चुका है कि बाबा वी यूज दिस इंफॉर्मेशन, तो नो चेक आउट लाइक. एंड नाउ व्हाट्सएप इज इम्फसाइजिंग, व्हाट्सएप बिजनेस के लिए ये इम्फसाइज कर रहा है कि हम लोग तुम्हारी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, ठीक है, इट इज हैविंग अदर कॉन्सिक्वेंसेस. सो आप जो भी लिखते हो व्हाट्सएप पे बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड मतलब आप सपोज आपको शूज चाहिए या your watch like requiring smart watch, ठीक है, तो ये जो भी keywords आप लिखते हो और ये सर्च जो करते हो या कोई किट है ये अगर आप सर्च करते हो तो immediately this gets analyzed, analysis होता है इसका. कैसे analysis होता है, ये keywords जो लिखे हुए है वो query में read किए जाते हैं और आपके आईडी के साथ ये कीवर्ड्स लिख दिए जाते हैं स्मार्ट वॉच, उसके बाद इनको टैग बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में टैगिंग बोलते हैं. यू नो यू आल्सो डू द टैगिंग. अगर मेरे पास बहुत सारे अलग अलग बुक है तो व्हाट आई डू इज आई टैग देम लाइक टेक्निकल नॉन टेक्निकल, ऐसे नाम देता हूँ ना मैं, उसको टैगिंग बोलते हैं, तो टैग किया जाता है. अब ये टैग जो रहता है अभी ये टैग जो है उसको हम लोग हैशटैग बोलते ही नहीं, हैशटैग भी रहता ना, तो हैशटैग इज नथिंग बट द टैग अलोंग विथ हैश. तो ये स्मार्ट वॉच, ये जो कीवर्ड्स है ना, ये अलग अलग कीवर्ड्स जो आपने सर्च किए हुए हैं, तो इसके हिसाब से अल्गोरिदम डेवलप किया जाता है कि दिस पर्सन इन सर्च ऑफ वॉट, इन सर्च ऑफ लाइक टेक्निकल गैजेट्स, ठीक है, तो इसके ऊपर से इमोशनल इंजीनियरिंग किया जाता है, इमोशनल, ठीक है, और या उसको बोला जाता है उसका क्या एनालिसिस है कि बाबा ये पर्सन को क्या क्या पसंद है, उसका एनालिसिस किया जाता है. एंड देन इसके हिसाब से जो गूगल का एडसेंस है, एडसेंस करके है, वो पर्टिकुलर एड आपको दिखाना चालू कर देता है. तो ये पूरे इसके पीछे एक एल्गोरिथम रहता है, ठीक है, कि व्हाट आर द कीवर्ड्स, और वो कीवर्ड्स के हिसाब से उसको सर्च करके आपको उस हिसाब से आपको एड दिखाए जाते हैं. नाउ व्हाट एवर यू सर्च, यू नो यू स्टार्ट सर्चिंग अबाउट पर्टिकुलर थिंग, यू स्टार्ट गेटिंग. नाउ यहाँ पे आई एम नॉट एम्फसाइजिंग यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ पाइथन यूज होता है, नो, there are a lot of different programming languages, but ye use ho raha hai aaj ki date mein. Now apart from this let's think of a future.
अभी आपका रोल देखो, अगर मैं मैकेनिकल पीपल बोलता हूँ तो वी आर लाइक ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग फ्रॉम योर कन्वेंशनल व्हीकल्स टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ईवी। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम लोग स्विच ओवर वाला फेज है ये। बाय 2025 यू विल स्टार्ट लुकिंग द चेंज वेरी रैपिडली, वेरी रैपिडली। नो, बाय द टाइम यू विल बी इन द मार्केट। ठीक है, तो व्हाट इज योर परस्पेक्टिव फॉर दैट? लाइक इफ यू आर हैविंग मैकेनिकल नॉलेज, मेरे को बताओ, अगर आगे जाके डीजल और पेट्रोल रहेगा ही नहीं है, देर देर विल नॉट बी कन्वेंशनल रिसोर्सेस, देन यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ चेंज एट एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और क्रूक, राइट? नाउ वी कैनॉट से लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो वहां पे मैकेनिकल पीपल का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे तो कभी भी नहीं होगा ये दुनिया में। अनटिल एंड अनलेस यू हैव सिविल मेक इलेक्ट्रिकल पीपल, यू कैनॉट लाइक हैव अ वेरी गुड इंजीनियरिंग। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो होगा कैसे ये चीज, इसका फायदा क्या होगा आपको, कि जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के जाओगे, लाइक पाइथन मे बी वन ऑफ द लैंग्वेज, तो यू हैव अ नॉलेज ऑफ मैकेनिकल स्टफ अलोंग विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द कंपनीज विल बी मोर देन हैप्पी टू हायर यू। ठीक है, नॉट ओनली दिस, बिकॉज चेकआउट, अभी रिसेंटली टाटा पावर ने इज ऑन द वर्ज ऑफ हैविंग अ एमओयू विथ टेस्ला। टेस्ला जो कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो टाटा पावर के साथ ये एक एग्रीमेंट करने वाली है। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अपडेटिंग योरसेल्फ विद दिस थिंग्स, एंड दिस विल हेल्प यू लॉट, दिस विल हेल्प यू लॉट। ठीक है, सो रिलेटेड टू द सिविल इंजीनियरिंग, you are already knowing about it. There is a rapid development in software related to your structural analysis जो करते हैं उसके अलग अलग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। Why not to disrupt it? Like अलग अलग सॉफ्टवेयर जो आ रहे हुए हैं उसमें अलग एनालिसिस लेवल भी जा। अभी जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स लाइक बुर्ज खलीफा वगैरह, तो अलग अलग वाले जो बिल्डिंग है, जो बड़े वाले बिल्डिंग है, उसके एनालिसिस में भी होता है। इसके अलावा भी और एक दोनों के लिए कॉमन होता है, वो पाइपिंग का कोर्स है। आई डोंट नो लाइक यू पीपल आर नोइंग अबाउट इट और नॉट। पाइपिंग का कोर्स होता है जो इवन लाइक लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज लुक फॉरवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टफ, लाइक मैकेनिकल और सिविल दोनों कर सकते हैं ये वाला कोर्स, एंड देयर इट इज हैविंग बिट पर्स पर्सपेक्टिव। बट ये सब करते वक्त आपको थोड़ा अगर प्रोग्रामिंग नॉलेज आता है तो दैट विल हेल्प यू इन प्रोसीडिंग फर्दर, एंड दैट्स व्हाई वी आर एम्फसाइजिंग इट। एंड इवन नाउ लुक, इफ इंफोसिस इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द पीपल हु आर नोइंग अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दे डोंट नीड टू वरी अबाउट विच ब्रांच यू आर बिलोंग टू, देन देर मस्ट बी समथिंग, राइट? ये कंपनी अगर एक्सपेक्ट कर रही है कि बाबा वी नीड अ पीपल हु आर हैविंग एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ब्रांच, दे शुड ओनली नो द बेसिक फंडामेंटल नॉलेज अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन देयर मस्ट बी समथिंग दैट द कंपनीज आर हैविंग द थॉट प्रोसेस एंड दे आर अलाउिंग ऑल द ब्रांचेस, मीन्स कुछ तो उसमें उनका फ्यूचर परस्पेक्टिव है, सो दैट इट विल हेल्प देम। सो थिंक अबाउट इट एंड स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंगली। ठीक है, यही मेरा कहना था। सो लेट्स बिगिन द डे। व्हाट वी विल बी डूइंग नाउ, विल बी गोइंग अहेड विद द डिफरेंट डेटा टाइप्स, विल लुकिंग फॉरवर्ड फॉर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, एंड विल लुक फॉरवर्ड फॉर लिस्ट ऑल्सो। ठीक है, तो ये दो डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, दैट वी विल बी यूटिलाइजिंग, एंड ये स्ट्रिंग स्टोर कैसे होता है वो देखेंगे। सो इफ इफ आई मेक इट समथिंग लाइक दिस, एक्स इक्वल्स टू डबल कोट सोलापुर लिख दिया मैं, ठीक है। नाउ दिस इज लाइक अ स्ट्रिंग दैट हैज बीन एंटर्ड इनसाइड दिस सोलापुर, ठीक है। नाउ आई नीड टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर स्टफ, तो आई विल डायरेक्टली बेटर टू गो इनटू
ये जो होता है इसमें होता है इंडेक्सिंग, मतलब क्या, इसमें अगर मैं देखता हूं तो देर आर 7 कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टर्स है ये कैरेक्टर। जब स्टोर होता है, अभी कंप्यूटर में जब भी मेमोरी में स्टोर होता है वो बाइट बाय बाइट स्टोर होता है, तो एक कैरेक्टर एक बाइट होता है, एक कैरेक्टर एक बाइट का होता है, ठीक है। तो विल नीड दैट मेनी नंबर ऑफ बाइट, सो इफ आई डू दिस वे, ऐसे अगर स्टोर करता हूं मैं, ठीक है, इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस, विल नॉट रिक्वायर दिस, विल हैव सो, ठीक है, ओ एल, ठीक है, पी। नाउ जब भी ये स्टोर होता है ना, ये जब भी स्टोर होता है, वी डोंट नीड टू कंसिडर दिस, दिस इज द जीरोथ लोकेशन, जीरोथ लोकेशन, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है। ना ये जीरो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में इंडेक्स बोलते हैं, दिस इज द इंडेक्स, सो आई आई कैन राइट इट एज इंडेक्स, जीरो पे है एस, 1 पे है ओ, 2 पे है एल, 3 पे है ए, 4th पे है पी, एंड देन 5th पे है यू, एंड 6th पे है आर। सर जीरो पर्सनस का चालू करता था, नो व्हाई दे डोंट स्टार्ट इट फ्रॉम वन, नो यू नीड टू हैव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नो यूजुअली क्या होता है, जब भी आप बाइनरी बोलते हो, बाइनरी स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड वन, राइट, जीरो एंड वन, जब भी कोई भी नंबर सिस्टम बोलते हो आप, इट लाइक नंबर सिस्टम जो भी बोलते हो, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग जो यूज करते हैं, दैट इज फ्रॉम 0 to 9, 0 से लेके 9 डिजिट रहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। अगर ऑक्टल रहता है, ऑक्टल में 8 रहते हैं, तो 0 से लेके 7, तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, ठीक है। तो जब भी आपको बाइनरी या कंप्यूटर में यूज करना है, तो यू नीड टू स्टार्ट द इंडेक्स फ्रॉम द जीरो रादर देन वन, एंड उसके भी वजह से जीरो को एक इंडेक्स करके कंसिडर किया जाता है, एंड दैट्स वाई अगर मैं 8 चीजें बोल रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 8 थिंग्स, देन देयर इंडेक्स विल बी फ्रॉम 0 to 7, ओके। लाइकवाइज इफ आई से 16 स्टफ, अगर 16 मेरे पास चीज है, तो वो उनका इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक क्या होगा, द इंडेक्स विल बी फ्रॉम, यस द इंडेक्स विल बी फ्रॉम 0 to 15 सर, जीरो टू या फिफ्टीन 0 to 15, थैंक यू सो मच, वंडरफुल, यू आर फॉलोइंग दैट। नाउ जब भी ये मेमोरी में स्टोर करता है, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, अगर मैं ये चीज देखता हूं, अभी मैंने एक्स इक्वल्स टू डबल कोट में सोलापुर लिखा, तो ये जो सोलापुर है मेमोरी में, ये एक्स में, नाउ दिस एक्स इज अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है, स्ट्रिंग है, डेटा टाइप इसका स्ट्रिंग है। तो अब मेरे को इंडिविजुअली एक्सेस करना है सोलापुर जो है वो, मेरे को इंडिविजुअल, तो आई कैन हैव एन एक्स एज एन एक्स ऑफ 0, दिस इज द इंडेक्स आई एम आई कैन यूज, तो इंडेक्सिंग के लिए वी कैन यूज दिस वे, ठीक है, एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, सॉर्ट ऑफ स्टफ आई कैन यूज। नाउ दिस इंडेक्सिंग वे इज सेम एज दैट ऑफ योर सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में भी ऐसे ही यूज होता है, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ अलग स्पेशलिटी भी है, वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर दैट। Now we need to go back to the Google Colab, ठीक है, Google Colab में जाएंगे, तो how to go to the Google Colab environment, कैसे चालू करना है Google Colab environment, you need to search about Google Colab करके, Google Colab करके आप सर्च करोगे, where you will search about Google Colab on any browser search engine, that can be a Google search engine or एंड देन यू कैन क्लिक ऑन साइन इन। मेरे ख्याल से लाइक आपको ये फॉलो किया है आप लोगों ने, NBN टीचर वन, एंड देन यू कैन हैव
So it say like these are the recent ones, and you can always go for the other one. So we can go with the new notebook. Okay, so it will create the new notebook for us. We can always use first day, but this is like day two that we are starting with. So day two, Python training. Now here I was actually like telling you X is assigned Solapur. Okay. Now I can print X. This is very simple, like pretty straightforward. Directly जो भी हम लोगों ने सोलापुर करके लिखा है, that will come as output. That will come as a output. Now usually what happens is interactive वगैरह रहता है, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ. Now print X of, now check out, X of zero कर दिया मैंने. ठीक है. So you can see that only S has printed. अगर मैं यहाँ पे X of, okay, I will increase the font. Now it is much better. ठीक है. It should be visible to you. देखो यहाँ पे X of zero की जगह पे मैंने X of four कर दिया. ठीक है. So what will be the output? क्या आएगा output X of four के लिए? Peak. जी सर, Thank you so much. Yeah, it will be P. So you followed it, right? You followed it properly. Wonderful, wonderful. I'm getting the reply. You people are getting involved into that. Really, now feeling happy with that. Please make sure that you're getting involved. तुम्ही स्वतः नंतर सुद्धा बसून स्वतः प्रैक्टिस करा. This language is very easy as compared to C language. You might have seen that. मी सारखं सारखं कंपेअर करतोय, कारण आपल्याला काहीतरी कुठेतरी जाऊन असा एक बिलॉंगिंगनेस येतं की बाबा दिस इज नॉट फॉर मी अँड दिस इज फॉर मी सॉर्ट ऑफ स्टफ. सो व्हॉट आय वॉन्ट इज यू शुड अडॉप्ट द पायथन. पायथन को आप अडॉप्ट कर लो. इट्स वेरी वंडरफुल लैंग्वेज. जितना अच्छा करोगे बेहतर रहेगा. यू विल डू इट, लाइक आई आई नो दैट यू विल डू अ वेरी वंडरफुल फंटेस्टिक प्रोग्राम आउट ऑफ इट. या ओके. सो नाउ आता स्ट्रिंग मध्ये मॅनिप्युलेट करावं लागतं. कधी कधी काय होतं की मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे, लेट्स गो अहेड, लेट्स सी दॅट वी हॅव वॉच, वी हॅव लाईक लॅपटॉप, वी हॅव मोबाईल. ठीक आहे. आय एम जस्ट युझिंग दिस लाईक थिंग्स ॲज mobile, and then we can have smart watch. Okay, then we can have something like let's say like gadgets, like we can have AirPods. We love that, right? Okay. So likewise, you can have a lot of stuff, even backpack. You search about backpacks. Maine abhi recently backpack ke liye search kiya, and then I started getting the advertisement related to it. Okay. Okay. Now these are the things, like if after searching and ye aapke keywords aapke ID ko belong karte hai, suppose. Okay. हे जे आहेत ना, हे कीवर्ड्स किंवा हे जे सर्च इंजिनचे वर्ड्स आहेत, ज्या तुमच्या आय डी वरनं तुम्ही सर्च केलेत गुगल वरती किंवा कुठल्याही सर्च इंजिन मध्ये किंवा वेबसाईट वरती, फ्लिपकार्ट, अमेझॉन अशा वेबसाईटच्या सर्च इंजिन मध्ये तुम्ही सर्च केलेले आहेत या गोष्टी. ठीक आहे. जर तुम्ही ह्या गोष्टी सर्च केल्या असतील तर त्याचा डेटाबेस त्यांच्याकडे तयार होतो. डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ दिस कीवर्ड्स इन फ्रंट ऑफ युअर लाईक आय डी, आय डीच्या मध्ये ते टेक्स्ट म्हणून. आता काय करायचंय मला, ह्याच्यामध्ये प्रायोरिटी ठरवायची आहे. प्रायोरिटी म्हणजे काय, हा किती वेळा आलाय, हा किती वेळा, हे सगळं झालंय मला. मग हे कळल्यानंतर मला कळतंय की चौथ्या जो पोझिशन किंवा तिसऱ्या पोझिशनला जे आहे तो सगळ्यात जास्त वेळा सर्च केला गेलाय, किंवा मग मला याला
काय करायचंय की याच्यातले पर्टिक्युलर मोबाईलला बाहेर काढायचंय, ठीक आहे, या मोबाईलला फक्त मला बाहेर काढायचंय. आता ही पूर्ण टेक्स्ट माझ्याकडे आहे, ठीक आहे. सो व्हाट आय कॅन डू इज x equals to I can take it directly in the form of this. मी असा टेक्स्ट म्हणून घेऊ शकतो. आता इथं मला मॅन्युअली 1 2 3 4 5 हा 6 7 ब्लँक स्पेस 7वा, हा 8 9 10 11 12 13 14 ह्या 14वा कॅरेक्टर आहे, म्हणजे त्याचा इंडेक्स किती असणार हो, 13 असणार, राईट. हा 14 हा 15, राईट. सो 15 विल बी अ मोबाईल, ठीक आहे, मोबाईलचा एम येणार आहे. सो इफ आय ट्राय टू प्रिंट एक्स ऑफ 15 देन आय शुड गेट एम, राईट. लेट सी, वी शुड गेट एम, राईट. अँड नाव व्हॉट आय वॉन्ट, मोबाईल पूर्ण मला पाहिजे आता. तर एम ओ बी आय एल ई, सो 15 हा 16 17 18 19 20, ठीक आहे. आणि हा पुढचा जो आहे तो 21 आहे. तर मी ह्याला लिहिताना जर असं लिहिलं 15 down to 21 लाईक देर इज अ सेम, देर इज अ कोलन इन बिटवीन, देर इज अ कोलन बिटवीन, ठीक आहे. सो इफ आय रन दिस नाव यू कॅन सी दॅट मला फक्त इथे मोबाईल भेटला, बरोबर आहे. I got only part of mobile. Now this particular thing is called as string slicing. Yes, wonderful, you know that, wonderful. This is called as string slicing. This is the method we should use it. Hum log aise adopt kar sakte hain, theek hai. Kabhi kabhi kya hota hai, हमारे पास कुछ वर्ड्स रहते हैं या आणि पूर्वीच्या काळी माहिती का आपल्या जे राजे महाराजे होते त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये गुप्त मेसेज वगैरे पाठवायचं हे असायचं, आणि कितवा कॅरेक्टर वगैरे पाठवायचं आहे किंवा कितवा कॅरेक्टर कामाचा आहे त्याच्यावरून एक सेंटेन्स फॉर्म व्हायचा. मग याच्यावरून कोडिंग डिकोडिंगचे अल्गोरिदम्स तयार झाले. मग हे कोडिंग डिकोडिंग अल्गोरिदम्स तुम्ही पण स्वतः तयार करू शकता तुमचा स्वतःचा, आणि इन्क्रिप्ट करून तुमचे मेसेजेस पाठवू शकता आणि डिक्रिप्ट करून तुमचे मेसेजेस रीड करू शकता. हे इन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन म्हणजे काय, असं वेगळं असं जगावेगळं असं काही नाहीये. आता गिवन स्ट्रिंग असेल किंवा गिवन डेटा असेल तर त्याच्यामधले पर्टिक्युलर गोष्टींना रिप्लेस बाय समथिंग एल्स ऑर दे शुड बी रीड बाय सम मीन्स ऑर सम मेथड, कुठल्या तरी एक अशा मेथडनी रीड करायचे असतात. आता जेव्हा मी असा स्लाइस करायला बघतो याचा जे इंडेक्स आहे, आय नीड टू नो द लेंथ ऑल्सो, मला याची पूर्ण लेंथ पण पाहिजे की किती आहे, म्हणजे याच्यामध्ये टोटल कॅरेक्टर्स किती आहेत हे मला कळालं तर बरं होतं. तर ते कळण्यासाठी एलईएन नावाचं एक फंक्शन आहे, ठीक आहे, लेंथ, लेंथ ऑफ एक्स जर मी म्हणलं, अँड इफ आय प्रिंट दॅट लेंथ ऑफ एक्स, ठीक आहे, देन आय विल कम टू नो की बाबा किती टोटल. मग इथे कळतंय मला की त्याला 53 कॅरेक्टर्स आहेत टोटल, किती आहेत 53. मग 53 आहेत म्हणल्यानंतर मी इथे असं घेतलं तर बघा मी काय करू शकतो, बॅक पॅक आहे ना, बॅक पॅक, मग आता हा किती, हा 53, ठीक आहे, दिस लाईक 53, म्हणजे हा ऍक्च्युली इंडेक्सिंगला हा 52 असणार आहे कारण 53 कॅरेक्टर आहेत, 52 59 51 40 50 49 48 47 46 45, ठीक आहे. नाऊ इफ आय प्रिंट इट दिस वे, एक्स ऑफ 45 डाऊन टू 53, देन यू विल सी दॅट आय गॉट बॅकपॅक. मग मी हे असं करण्याच्या मागचा उद्देश मगाशी सांगितलंय की मला त्यातून पर्टिक्युलर काढायचं आहे, पर्टिक्युलर एक एक गोष्ट काढायची. आता मला हे कळालंय, आता सपोज I will write the sentence. एक गुपित मेसेज अशा टाइप मध्ये मी सेंड करायचा प्रयत्न करतो. I can write special message from this. ठीक आहे, ओके.
Now, if you check out, this is the zero index. This is the zeroth index. Zero नंतर हा one, हा two, three, four है, हा four है, right? Four. ठीक है, okay, one. Then this is like I can okay fourth right fourth a fourth है. So zero one two three four then okay we'll try to check out like ये क्या होता है इसका and then we'll try to print this thing. So we'll take this into a A is equal to double quote में ये लिख देंगे. From this I can write special message from this and if I do this way if I print now try and understand A index from right A index from 0 to length. ठीक है अभी इसका लेंथ हम लोग क्या कर लेंगे विल टेक द लेंथ ऑफ ए इनटू अनदर वेरिएबल कॉल्ड एज आई. ठीक है सो ए इज फ्रॉम जीरो टू आई. तो जीरो टू आई जब भी मैं बोलता हूँ ठीक है जीरो टू आई विथ एन इंक्रीमेंट फ्रॉम दिस टू दिस. ओके लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद दिस पर्टिकुलर थिंग. ये थोड़ा सा आगे के इसमें सोच रहे हैं हम लोग. सो लाइक लेट्स सी. ओके नाउ ये ऊपर का मैसेज और ये कुछ अलग ही दिख रहा है. नाउ इट इट स्टार्टेड फ्रॉम जीरो इट हैज गॉन टिल दिस एंड पार्ट बट एवरी सेकेंड कैरेक्टर. नाउ जीरो उसके बाद वन को स्किप किया है टू को लिया है थ्री को स्किप किया है फोर्थ को लिया है ये फिफ्थ को स्किप किया है डब्ल्यू को लिया है इसको आर को स्किप किया है आई को लिया है टी को स्किप किया है ई को लिया है ये वाले स्पेस को स्किप किया है एस को लिया है उसके बाद ई उसके बाद आई उसके बाद एल उसके बाद ये स्पेस को ये किया है उसके बाद एम लिया है उसके बाद एस लिया है उसके बाद ए को लिया है उसके बाद ई को लिया है उसके बाद स्पेस को स्किप किया है उसके बाद एफ को लिया है उसके बाद ओ को लिया है और उसके बाद ये वाला स्पेस आया हुआ है यहाँ पे और उसके बाद टी को स्किप करके एच को लिया है और फिर आखिरी में एस को लिया है. हाउ दिस हैपेंड ये इट स्टार्टेड फ्रॉम जीरो उसके बाद लेंथ ऑफ ए इज इन ये स्ट्रिंग का जो भी लेंथ है वो टोटल आई में आ गया मतलब वो इंडेक्स का फाइनल रहेगा विच इज 37. देयर आर 37 कैरेक्टर्स इन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड एवरी टाइम इट इज द काउंट ऑफ इंडेक्स इज इंक्रीमेंटेड बाय टू. नाउ आई कैन इंक्रीमेंट इट बाय थ्री आल्सो. अगर मैंने थ्री कर दिया तो देर विल बी एवरी थर्ड कैरेक्टर. यू कैन सी आई को लिया उसके बाद ए को लिया उसके बाद बीच के ये दोनों को स्किप कर दिया और डब्ल्यू को ले लिया उसके बाद आर और आई को स्किप किया और टी को ले लिया. नाउ दिस दिस यू कैन सी. ठीक है उसके बाद ई और इसको स्पेस को स्किप कर दिया और एस को ले लिया और पी और ई को स्किप किया सी को लिया. नाउ व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड इन फर्स्ट प्लेस व्हाई वी नीड दिस एक्चुअली. तो जब भी आप कोई भी मैसेज लिखते हो यहाँ पे अगर मेरे को कुछ स्पेशल मैसेज लिखना था इसमें से इनक्रिप्ट करना था या कुछ ऐसा मैसेज देना था जिसमें से मेरे को पर्टिकुलर चीजों को स्किप करके जितना लगने वाला है उतना ही पार्ट में उसमें से निकाल पाऊँ दैट गिव्स मी द फ्लेक्सिबिलिटी दैट गिव्स मी अ फ्लेक्सिबिलिटी एंड दैट्स वाई आई एम यूटिलाइजिंग दिस. ये कहते सगैंना लेंथ कराला इंडेक्स यस सर स्लाइसिंग का वंडरफुल. नाउ आई आई कैन गो विथ लाइक आई यस कैन यस देयर इज एनी क्वेश्चन.
No, okay. So this is one method. This is one of the method. And now we can go with the other method also. There is another method. आता मला काय करायचंय, ह्या स्ट्रिंगला मी जी काही लिहितोय स्ट्रिंग, सपोज हे वरती मी हॅश करून लिहितोय ना, हे आपल्याला कळावं किंवा मला कॉपी पेस्ट करून वापरता यावं म्हणून लिहितोय. दिस स्ट्रिंग आय कॅन राईट फ्रॉम दी एंड. ठीक आहे, म्हणजे काय, मला काय करायचंय, आता ही जी स्ट्रिंग लिहितोय मी त्याला डी एन ई ई एच टी एम ओ आर एफ, म्हणजे मला ही स्ट्रिंग उलटी लिहायची. ठीक आहे, मला ही स्ट्रिंग उलटी लिहायची म्हणजे उलटी प्रिंट करायची रादर. तर त्याच्यासाठी पण एक मेथड आहे. ठीक आहे, काय मेथड आहे ती पहिले याच्यावरती मी सांगतो तुम्हाला. मगाशी आपण बघितलं इंडेक्सिंग साठी. ठीक आहे, तर सोलापूरला इंडेक्सिंग करताना कसं गेलं होतं. ठीक आहे, यू कॅन सी दॅट SOLAPUR. ना इंडेक्सिंग असं केलं होतं 0 1 2 3 4 5 6. आता अजून एक प्रकारे पण इंडेक्सिंग होतं, हे पर्टिक्युलरली अवेलेबल आहे फक्त पायथन मध्ये. इट डझंट होल्ड गुड इन सी लँग्वेज, पण यू कॅन यूज इट इन हियर व्हेरी इझिली. इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम मायनस वन. इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम मायनस वन. जे शेवट असतं ना तो मायनस वन, हा मायनस टू, हा मायनस थ्री, मायनस फोर, मायनस फाईव्ह, मायनस सिक्स अँड मायनस सेवन, यांचं इंडेक्सिंग असं पण राहतं. यू कॅन डू अ रिव्हर्स इंडेक्सिंग, इट इज कॉल्ड एज रिव्हर्स इंडेक्सिंग. ठीक आहे, रिव्हर्स इंडेक्सिंग पण राहतं. आता रिव्हर्स इंडेक्सिंग कशाला लागतं किंवा का बरं वापरायचं, तर जेव्हा तुम्ही डेटा मॅनेजमेंट करता किंवा डेटा डेटाला तुम्ही स्टोअर करता, तेव्हा इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू इंडेक्स फ्रॉम लाईक बॅकवर्ड ऑनवर्ड, बॅकवर्ड साईड अँड ऑन लाईक फॉरवर्ड साईड, दोन्ही साईडनं जर मला इंडेक्सिंग करता आलं तर मला इझिली मॅनिप्युलेट करता येतं. अँड आय विल शो यू हाऊ टू डू दॅट. ठीक आहे, आता जर मी इंडेक्सिंग असं केलं, ठीक आहे, मी जर स्लाइसिंग मध्ये प्रिंट म्हणलं आणि असं लिहिलं फ्रॉम सपोज एक्स आहे मायनस सेवन कोलन, ठीक आहे, टिल मायनस थ्री, ओके, विथ मायनस सेवन डाऊन टू मायनस थ्री, व्हॉट हॅपन्स इज we'll see directly now. Rather than I talk about it, I will show you with this. So let's take again x. Solapuri lenge, so it will be comfortable for us to understand. And if I try to print x minus 7 to minus 3, okay, so if I run this, you can see that like SOLA. Now if you go here, you can see that minus 3 तर हे आहे सर, minus 3 तर तुमचं P आहे, minus 3 तर P आहे, पण होत नाही. इवन इन दिस अर्लियर केस जब भी मैं इंडेक्स स्लाइस करके बताता हूँ तो I will शो यू दैट टू. नॉर्मल सिनेरियो मैं अगर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करता हूं एक्स इज 0 to 0 to, अभी अगर मैं पी देखता हूं दिस इज नथिंग बट योर 4, राइट, सो 0 से लेके 4, सो आई एम एक्सपेक्टिंग SOLA इतना ही आएगा. ये जो रहता है दैट इज एक्सक्लूडेड, इट इज नॉट इंक्लूडेड, दिस रेंज इज इंक्लूडेड. ये जो इनिशियल वैल्यू होती है उसको इंक्लूड करते हैं और जो फाइनल वैल्यू रहती है उसको एक्सक्लूड किया जाता है वो इंडेक्स को, मतलब माइनस थ्री को नहीं ले गए, माइनस फोर तक के ही रहेगा ये, यहाँ पे थ्री तक के ही जाएंगे, फोर को नहीं लिया जाएगा. सो यू कैन सी दैट यू विल गेट 16 16, राइट, यू विल गेट 16 ओनली, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंडेक्स इनिशियल
वैल्यू इंक्लूड की जाती है बट फाइनल वैल्यू एक्सक्लूड करते हैं, उसको यूज नहीं करते. नाउ ओके, नाउ इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, प्रिंट एक्स माइनस सेवन कोलन फोर, व्हाट आउटपुट आई शुड गेट? मेरे को क्या आउटपुट आना चाहिए बोलो? एरर आना चाहिए, वार्निंग आनी चाहिए, या कुछ आउटपुट आना चाहिए? क्या आएगा बोलो? व्हाट आई विल गेट विद दिस माइनस सेवन डाउन टू फोर? अगर मैं ये ऐसा इंडेक्सिंग लिखता हूं, सो व्हाट आई विल गेट हियर इज 16. सेम स्टफ. सो यू कैन आइदर यूज पॉजिटिव इंडेक्स और निगेटिव इंडेक्स, ईदर वे इट विल वर्क. दोनों तरफ से ये सेम काम करता है. बहुत बहुत जरूरी कंसेप्ट है. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट. ये टेस्ट में आते हैं, ये इस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं. नाउ इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस, इफ आई गो अहेड विथ प्रिंट एक्स, ठीक है, नाउ इफ आई गो विथ इंडेक्सिंग, ठीक है, ठीक है, इफ आई गो विथ समथिंग लाइक दिस, लाइक टू डाउन टू माइनस टू, व्हाट विल बी द आउटपुट? यस, what will be the output? OLAPU sir. Okay. Look, इसको explain करते हैं इस साइड से, हम लोग ऐसे जाएंगे फिर. यहाँ पे देखो, आप बोलो, what I asked is like from 2 down to minus 2. ठीक है, indexing from 2 down to minus 2. तो टू तो इंक्लूड होगा, तो एल आएगा, ए भी आएगा, पी भी आएगा. अब ये यू आएगा क्या? यस नहीं सर, नहीं आएगा. सो वी विल गेट लव, नो यू विल नॉट गेट यू, यू नहीं आना चाहिए. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट वी गेट हियर. ठीक है, मजा आएगा अभी, और मजा आएगा. लेट्स सी, वी गॉट इट एज एलएपी लैप, राइट? ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई सेड इनिशियल इंडेक्स जो वैल्यू रहता है, इनिशियल वैल्यू उसको इंक्लूड करते हैं, बट जो फाइनल वैल्यू रहता है उसको एक्सक्लूड किया जाता है, उसको एक्सक्लूड किया जाता है. सो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत जरूरी है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एट अ कॉस्ट. नाउ लेट्स थिंक ऑफ दिस, सपोज नाउ पी इज इक्वल टू माय सिटी, ठीक है, एंड क्यू इज सोलापुर, ठीक है. नाउ इफ आई राइट दिस वे, R equals to P plus Q. And if I print this R, you'll see that my city is Solapur. Now this particular plus sign do the concatenation. Concatenation मतलब ये दोनों को जोड़ने का काम करता है यहाँ पे. But it doesn't give you the space in between. So manually either this side or this side, you need to provide the space. तो यहाँ पे स्पेस नहीं डालता है ये. तो इफ आई रन दिस नाउ अगेन, यू कैन सी दैट माय सिटी सोलापुर, ये कंटिन्यूअस में आपको ये स्ट्रिंग का जॉइंट करके देता है. ठीक है, इट जॉइंस द मल्टीपल स्ट्रिंग्स आल्सो. तो मैं स्लाइस करके अलग से लिख सकता हूँ.
अब ये सिर्फ प्रिंट करने के काम में नहीं आता है. नाउ इफ आई हैव दिस आर विच इज नाउ आई आई कैन टेक दिस लाइक सपोज एक्स इक्वल्स टू आर इंडेक्स फ्रॉम जीरो से लेके दिस इज फोर एंड दिस इज सिक्स एंड सेवन सो आई कैन गो विथ सिक्स और अदर सेवन. ठीक है सो माई city I will take it as an 8 so that the space should also come in and now I can go ahead with the y equals to r 9 down to length of r. ठीक है look मैंने कुछ अलग नहीं किया है जो अभी तक के हम लोगों ने यूज किया है ना उसी का बताए इस्तेमाल. अगर हम लोग को अलग अलग वेरिएबल्स में भी इसको इंसर्ट करना है तो वी कैन यूज इट दैट वे. ओके वी स्टार्टेड फ्रॉम एस 9 राइट. ओके इट शुड बी स्टार्ट विद 8 इज सोलापुर. ठीक है या नाउ माय सिटी इज सोलापुर. ये जॉइंट करके आर ने दिखा दिया कि बाबा वी कैन इंडिविजुअली एड देम टुगेदर. इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स को मैं जॉइन करके दिखा सकता हूँ. यहाँ पे इंडेक्स स्लाइस करके मैं अलग अलग वेरिएबल में भी लिख सकता हूँ कि व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज. एंड वैल्यू ऑफ वाई. दिखाने के लिए सो दैट यू शुड नो अबाउट इट. सो वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस एंड वैल्यू ऑफ वाई इट शुड बी वाई राइट. वाई इज सोलापुर राइट. सो टेक्स्ट जो है हम लोग स्लाइस कर सकते हैं, हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, हम लोग वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम लोग दूसरे वेरिएबल में डाल सकते हैं. दीज आर ऑल थिंग्स दैट कैन बी मैनिपुलेटेड फॉर द टेक्स्ट. टेक्स्ट मैनिपुलेशन करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग या टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं. आर यू गेटिंग इट एवरीवन? यस सो फार सो गुड. लाइक जो हम लोगों ने अभी तक के डिस्कस किया समझ में आ रहा है सबको? यस सर. ओ ग्रेट. यस सर. ग्रेट. यस सर. चलो ओके. Let's go ahead then. Okay. Now, when you are storing, you can also take the same string as an input from the user now. अभी मेरे को user की तरफ से लेना है. So, what we can do is we can take the input from the user. So let's take A as input. Enter the text. ठीक है. एंटर द टेक्स्ट एंड व्हाट आर द टेक्स्ट इज देयर आई कैन राइट डायरेक्टली प्रिंट इट एंड इवन आई कैन गो विद द लेंथ ऑफ दिस. सो लेंथ मेरे को क्यों निकालनी है, मेरे को समझ के लेना है कि कहां से कहां तक के है. एंड देन आई कैन प्रिंट दिस थिंग लाइक अभी मैं इसको अगर मैं एक्स करके लेता हूँ लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट. जो भी आप वेरिएबल टेक्स्ट लेते हो तो आखिरी के जो पांच वर्ड है उसको लेके मेरे को प्रिंट करना है. और रादर लास्ट 5 लेटर्स बोल रहा हूं मैं. सो अगर मेरे को आखिरी 5 लेटर्स लेने हैं तो व्हाट आई कैन डू इज सिंपली आई कैन स्टार्ट विथ एलियन और रादर यहाँ पे एक्स रहेगा -5 से लेके एक्स तक के. एक्स -5 क्यों? आखिरी 5 कैरेक्टर चाहिए मेरे को. ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, आई विल डू दिस एंड दिस इज फॉर द ए टेक्स्ट. नाउ लाइक हैव यू अंडरस्टूड दिस चेक आउट? ये समझ में आ रहा है क्या जो मैं लिखा हूं यहाँ पे? एक्स माइनस 5 लिखने के पीछे का रीजन क्या है? What is the reason to write it that way? Because x is the length. Length मतलब जो भी मैं लिखूंगा उसका irrespective of anything, उसका length may be like 7 character हो सकते हैं, 8 character हो सकते हैं, 80 भी character हो सकते हैं.
बट मेरे को आखिरी के पांच लेटर ही चाहिए उसमें से, आई नीड ओनली लास्ट फाइव लेटर्स आउट ऑफ इट, तो मैं ऐसे जा सकता हूँ. सो लेट्स सी हाउ वी गेट आउट ऑफ इट. सो आई एम हियर टू राइट. Now, what are the last five characters? W-R-I-T-E, right? So, I should get output as write only. So, पहले पूरा string आएगा, उसके बाद मेरा नीचे write आएगा. So, you can see that आखरी में जो मैंने पांच character लिखे थे, वो पांच character यहाँ पे print हो गए, which is this. Last five characters. Yeah, you can see that I can write things here. Might might aayega yahan pe abhi. Theek hai, I can write things here might. Theek hai, so last five characters equals to might, M-I-G-H-T. I can take out of it. मेरे को 5 की जगह पे 10 निकालने, तो आई विल बी डूइंग इट x माइनस 10. अगर मेरे को आखिरी के 15 कैरेक्टर निकालने, तो आई विल बी टेकिंग x माइनस 15. बट दिस फेल्स व्हेन आई एम, देखो सिर्फ क्या हुआ यहाँ पे, m आया. व्हाई ओनली m हैज अपीयर्ड हियर, बिकॉज जब मैं माइनस कर देता हूं इसमें से, तो ना कैरेक्टर बचते ही नहीं ना, कोई भी कैरेक्टर बचता ही नहीं है. सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, सो एक्चुअली माइनस बन जाता है वो, और वो आखिरी एक ही बचता है जो जहां तक के जा सकता है, तो आखिरी कैरेक्टर वो प्रिंट कर देता है. नाउ इफ वी गो अहेड एंड इफ आई राइट ऑन लाइक, आई कैन राइट like this and always, ठीक है, always बोला है मैंने. अभी ये छह कैरेक्टर में से पांच कैरेक्टर always करके आएगा, तो always, ठीक है, always. तो अगर वहां पे ज्यादा भी कैरेक्टर है तो भी वो प्रिंट करेगा. ओके, Now this thing you might have understood. Now यहाँ पे मैं इनपुट ले सकता हूँ, यूजर की तरफ से कोई भी टेक्स्ट आ सकता है. तो प्रोग्रामिंग में जब भी मैं कोई भी टेक्स्ट लेता हूँ, तो आई शुड अंडरस्टैंड द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट, आई शुड अंडरस्टैंड द इंडेक्सिंग ऑफ दैट टेक्स्ट. मैं उसको रिवर्स में भी लिख सकता हूँ, आई कैन प्रिंट इट फ्रॉम द रिवर्स ऑर्डर. मैंने रिवर्स ऑर्डर दिखाया, ओके एवेंट, ओके विल शो यू नाउ. If I wish to print it in reverse order, print A. So what I can start with is like last जो भी है उसको अगर मैं पहले कर देता हूँ minus one and this one is minus one minus ln of A, which is x, right? So this will be the index of A to print up. So I can go ahead with I am here to write. Okay. Minus one se leke, if I wish to go with the index minus one down to akri, I can write. Okay, this has gone with only minus one. So minus one, minus two, minus three, minus four, minus seven. Okay, I should go with here, like जो भी length है, that should be minus. This should be minus one minus ln of which is x here and till minus one. So now it will print I can write in
reverse. So you can see that I can write in reverse, ye print hua hai, theek hai? So you can use the index in opposite direction also. Opposite direction may be use kar sakte, minus one and like zero, like so on and so forth. Like agar main zero likhta hu yahan pe, so it will have like from zero, jo bhi hai, wo print karega. Meko sabse pehle minus one ko print karna hai, uske baad. So if I go with minus one down to minus one, minus x, yahan tak ke jana hai, to I need to go one by one by minus one. So step by step it's reverse. I can write in reverse. So you can see that ye jo hai wo ulta aa gaya. To jo stepping hai, stepping maine minus one se kar diya. So it all started with minus one. Matlab aakhri jo hai character usse chalu kiya usne. Kahan tak ke gaya? Iske pehle character jo index jo uska length hai, length minus one rahega. Agar length mera age jo ye x hai 22 hai, so it will go till minus 23 because it has started from minus one. So minus one se leke minus 23 karke jayega, or every time this minus one will be added with minus one. Ye minus one se indexing add karte jayega, and it has reversed the string. Ye pura ka pura reverse kar diya isne string ko. Theek hai? So you can get this way, like every character can be written in the reverse fashion also. So this is like most of the things related to the string manipulation that we have. And apart from this, agar koi aur bachta hai part string manipulation ke related, and hum log loop aur ye jab bhi dekhenge, loop aur abhi list bhi dekhne wale hai, to uske sath aapko aur bhi cheeze pata chal jayegi. So let's see, let's go ahead with the another code. Now, जो मैंने ऊपर एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया था जहां पे मैंने लिस्ट लिखी थी, ठीक है. Now this is like a list, so we'll be using this as a list. Okay, अभी आपको अगर घर में सामान वगैरह लाना है तो you also write this kind of a list, like suppose if you wish to bring, like अगर आपको गेहूं, चावल और कुछ भी लेके आना है, तो यू लिस्ट ऑन दैट. कुछ भी दाल वगैरह लेके आना है या घर का जो भी सामान रहता है वो आपको लिखना है, तो दैट बिकम्स अ लिस्ट, काइंड ऑफ अ लिस्ट. ठीक है, सो इन योर पाइथन लैंग्वेज ऑल्सो देयर इज अ डेटा टाइप व्हिच इज कॉल्ड एज अ लिस्ट. ठीक है, नाउ हाउ टू डिफाइन द लिस्ट इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इज वेरी सिंपल. ए इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखना है कुछ भी, जो भी कॉमा सेपरेटेड रहेगा ना, ये नाउ ये एक लिस्ट बन जाएगी. नाउ दिस इज द लिस्ट. सो वॉच इज वन ऑफ द कैरेक्टर, लैपटॉप इज अनदर कैरेक्टर, मोबाइल इज अनदर थिंग, एक्चुअली रादर कैरेक्टर की जगह पे थिंग है ये. दिस इज द थिंग एंड वी आर डिफाइनिंग इन द फॉर्म ऑफ आप ऊपर डबल कोट यूज करते हो या सिंगल कोट यूज करते हो, दोनों भी चलता है, मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दैट. आई विल शो यू दैट टू. आप वैसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. यस, ओके. नाउ इसका इंडेक्सिंग जो होता है, हम लोगों ने जो इसके लिए यूज किया हुआ है ना स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग जैसे यूज किया है वैसे ही इसका भी इंडेक्सिंग होता है. सो इफ आई ट्राई टू प्रिंट फर्स्ट दिस ए, ए इज अ लिस्ट, ए इज अ लिस्ट. सो इफ आई प्रिंट दिस, दिस इज व्हाट वी गेट इट एज वॉच, लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, एयरपॉड्स, बैकपैक. ठीक है, तो इमेजिन दैट, लाइक मैं ये लिस्ट में कुछ तो भूल गया लिखना. ठीक है, I can append the things.
तो कैसे करना है वो भी देखेंगे, अभी इंडेक्स देखेंगे पहले. सो इफ आई प्रिंट ए ऑफ फोर, व्हाट शुड आई गेट? ए ऑफ फोर मेरे को क्या मिलना चाहिए? व्हाट आई विल गेट? आउटपुट क्या आना चाहिए? स्मार्ट वॉच. ओके, इंडेक्स एक मिस कर गए आप. ठीक है, एयरपॉड्स. एयरपॉड्स वी विल गेट द एयरपॉड्स. एक्चुअली देखो, दिस वॉच इज अ इंडिविजुअल एंटिटी, लैपटॉप इज एन इंडिविजुअल एंटिटी. सो दिस इज हैविंग जीरो इंडेक्स, लैपटॉप इज हैविंग वन, मोबाइल इज हैविंग टू, स्मार्ट वॉच इज हैविंग थ्री, एंड एयरपॉड इज हैविंग फोर, एंड दिस इज द फिफ्थ इंडेक्स. टोटल छह इसके अंदर चीजें छह है, एंड हम लोग फोर्थ इंडेक्स देख रहे हैं. तो देर आर सिक्स, टोटल सिक्स आइटम्स इन दिस, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फोर्थ. सो लेट्स प्रिंट दैट, वी विल गेट एयरपॉड्स. ठीक है, यू गॉट एयरपॉड्स हियर. इंडेक्स समझना बहुत जरूरी है. इंडेक्स इज फ्रॉम जीरो, जीरो से चालू होता है. अगर मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया, इंडेक्स जीरो लिख दिया, सो व्हाट शुड वी गेट हियर? I will get it as watch. Look, we will get the watch. And if I write now minus one, what should we get? क्या मिलना चाहिए? Back. Right. Very good. We'll get the backpack. Wonderful. Now. ये थोड़ा सा बताओ मेरे को, अभी एल ई एन ऑफ ए लिखता हूं मैं. बोलो. What should I get? क्या मिलेगा मुझे? Length of A. Okay, length of A क्या आता है पहले वो भी समझ. Length of A हम लोगों ने ऊपर भी दिखाया था. Length is number of characters. यहाँ पे length will give me a number of items. So if I run this. I get a watch, and it is minus. It is minus. That's why I will be getting this particular thing. ठीक है? Same. जो text में किया था, सिर्फ यहाँ पे individual एक-एक item रहेगा. मतलब it will be laptop or desktop sort of stuff. Now if I do it this way, like 2 down 2 5. ठीक है? So 2 down to 5, I will get it as. मेरे को क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? Laptop and backpack. Two down to है ये. 2 down to 5 बोला है मैंने. Laptop to AirPod. And backpack. Correct. Laptop, mobile, smartwatch or AirPods आएगा. I am slicing the list now. This is called as slicing the list. So you can see that. So I will get mobile, smartwatch, AirPods. So it is zero index. This is index one. This is index two. This is index three, index four, index five. And again, index two, ye index two include hota hai. Ye index five exclude hota hai. So backpack exclude kar dega, watch ko exclude kar dega, aur laptop ko exclude kar dega. It will start from index number two. It will start from index number 2. Smartwatch, AirPods and backpacks. Getting it? So even the same way, if I do it, this A is from minus 3. Okay, minus 3 to 6. Okay, minus 3 to 6. Agar main karta hu, so what should I get? Smartwatch and AirPod.
दो ही होंगे। स्मार्ट वॉच, बैकपैक, एयरपॉड नहीं आएगा? एयरपॉड्स, बैकपैक, स्मार्ट वॉच एंड एयरपॉड सर। स्मार्ट वॉच, एयरपॉड्स एंड बैकपैक। इंडेक्सिंग में ये माइनस वन है, बैकपैक माइनस वन है, ये माइनस टू है, ये माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री से तो चालू होता है। अब माइनस थ्री इज नथिंग बट योर फोर, एक्चुअली यहाँ पे ये फाइव, ये सिक्स है। Yes, इसमें अगर मैं इसको देखता हूं इंडेक्सिंग को, तो यू कैन सी दैट बैकपैक इज हैविंग इंडेक्स फाइव, ये फोर, ये थ्री, ये टू, ये वन और ये जीरो होता है। तो ये फाइव तो बिलोंग करता ही है, तो उसको इंक्लूड किया जाता है। सो माइनस थ्री से लेके सिक्स को अगर देखते हैं हम लोग, तो दिस शोज मी माइनस थ्री टू वन, ऐसे करके जाएगा, ठीक है? माइनस, सो इफ आई रन दिस आई विल गेट स्मार्ट वॉच, एयरपॉड्स, बैकपैक। ये समझना बहुत जरूरी है इंडिविजुअली, यू नो, ये अगर मैं इसको कुछ इस हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? सो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग, लुक, लेट्स टेक वेरियस लाइक व्हाट यू लाइक, लेट्स टेक दैट, वी कैन टेक द टीम्स, ठीक है? Let's take IN India, AU Australia, then New Zealand, then we can have England, so EN. उसके बाद हम लोग लेंगे SL, Sri Lanka, South Africa, and what we have another country as AF, Afghanistan, or उसके अलावा वेस्ट इंडीज, वी शुड नॉट फॉरगेट डब्ल्यू ए, और कौन सा टीम है भूल गया यार मैं, जिम्बाब्वे, हाँ जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे जेड एम लेंगे, और पाकिस्तान है पीके, और बांग्लादेश है, साउथ अफ्रीका बी ए लेंगे, वी 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 टेकन अप, no issues. Okay, let's finish up with ये इतने सारे हमारे teams है, so single quote में अगर मैं लिख देता हूँ तो अलग अलग country के अलग अलग team है, USA वगैरह भी है, Netherlands है, Ireland है, lot of different teams अभी. So if we go ahead now, this is like index number 0, index number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, there are 10 teams, right? Likewise, now this is the index 0, and now main ulta agar leta hu to ye minus 1 hai, minus 2 hai, minus 3 hai, minus 4 hai, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10, minus 11. Now if I try to find out, maine ye t karke le liya, t equals to, to t ka maine agar index aise likha, theek hai, t ka index maine माइनस नाइन डाउन टू नाइन, ठीक है? नाउ माइनस नाइन इट विल टेक दिस न्यूजीलैंड, ठीक है? न्यूजीलैंड आ जाएगा इसमें, न्यूजीलैंड आता है, उसके बाद ये इंग्लैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे आएगा, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि दिस, यस वेरी गुड, विनायक पाटिल हैज फॉलोड इट, वेरी गुड यार। So from New Zealand and England, ये अगर मैं ऐसे दिखाता हूँ तो this will be like, I will use it in the highlighter.
So we will start with from New Zealand, England, Sri Lanka, South Africa, Afghanistan, West Indies, Zimbabwe. It will not take this nine. यहाँ पे जो भी ये आखिरी इंडेक्स लिखा रहता है, एंड इंडेक्स बोलते हैं इसको. एक रहता है स्टार्ट इंडेक्स और एक रहता है एंड इंडेक्स. स्टार्ट इंडेक्स कोलन एंड इंडेक्स रहता है. सो एंड इंडेक्स जो भी लिखते हो ना, एंड इंडेक्स मैंने नाइन लिखा तो नाइन माइनस वन तक के ही जाता है. माइनस वन मतलब उससे पहले वाले तक के ही जाता है, वो नाइन को इंक्लूड नहीं करता है, मतलब आठ तक के ही लेता है. ठीक है, why this does, because we start from zero, से चालू करते हैं हम लोग. तो जीरो से जब भी चालू करते हैं, we need to skip this one to get rather skip this one. जो आखिरी इंडेक्स दिया हुआ है उसको स्किप करना पड़ता है और इसको यूज करना पड़ता है. सो विल स्किप दिस एंड विल यूज दिस. ये सभी इंडेक्स के हिसाब से यही होगा. कहीं पे भी आप आगे जाके कोई भी डिक्शनरी रहने दो, टपल रहने दो, आगे के जितने भी सेट रहने दो, हर एक में यही इंडेक्सिंग कंसेप्ट है. तो अगर इंडेक्सिंग कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो इट्स वंडरफुल एक्चुअली. ठीक है, इंडेक्सिंग आपको समझना ही पड़ेगा बाय हुक और क्रूक. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू ऑन दैट नोट. नाउ लेट्स इमेजिन, लाइक अभी जो मैंने लिखा था हम लोग यहाँ पे वापस से कोड में लिखेंगे. सो विल टेक इट अप. फर्स्ट इज इंडिया, अनदर इज ऑस्ट्रेलिया, एंड देन वी हैव न्यूजीलैंड, वी हैव साउथ अफ्रीका, we have Sri Lanka, we have West Indies, we have Afghanistan, we have Pakistan, we have Bangladesh, ठीक है, any other team, England रह गई, so England is there. Now we'll use this text to formulate the list. So we'll take the P or T as a test, ये teams करके square bracket में अगर मैंने लिख दिया ऐसे. We can use single quote or double quote for string also. Single quote, double quote दोनों भी acceptable है, there is no problem about it. Now I can print the T. Capital T use किया है तो capital T ही use करना पड़ता है. ठीक है, now what we have here is a very important thing. Now if I go ahead with T indexed from minus 9 to 9, then we'll get it as a print statement ko maine square bracket use kar liya, round bracket use karna hai. Print should be in round bracket, it's not index. Okay, so you can see that till Bangladesh we have got. Now hum logon ne ek team kam kar diya hai kya koi, leave it, ho sakta hai. Theek hai, so there like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yahan pe kitne teams the, we had came up this way. Okay, so we started from the Australia and then we reached up to this. Okay, minus nine, this is minus one, right? So this is minus one, minus two, minus three, minus four, minus five, minus six, minus seven, minus eight, minus nine, correct? So yahan pe kaun sa team hum logon ne miss kar diya tha? जिम्बाब्वे मैंने मिस कर दिया यहाँ पर. जिम्बाब्वे को मैंने स्किप कर दिया, उसलिए कंफ्यूजन बढ़ गया. ठीक है, डोंट हैव एन इशू, नो इश्यूज. नेवरदलेस अगर मैंने यहाँ पे जिम्बाब्वे ऐड कर दिया तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यूजीलैंड एंड इट विल रीच टिल दैट पार्ट ऑफ योर बांग्लादेश. ठीक है, एंड इट विल स्किप योर जिम्बाब्वे एंड ये, कुछ भी इश्यू नहीं. चलो नाउ ओके, यहाँ पे मैंने जिम्बाब्वे को मिस कर दिया है. ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन अपेंड, टी डॉट अपेंड.
ठीक है, टी डॉट अपेंड में क्या कर सकता हूँ, जिम्बाब्वे को अपेंड कर सकता हूँ. तो जिम्बाब्वे विल अपीयर एज द लास्ट एलिमेंट. ठीक है, नाउ इफ आई ट्राई टू प्रिंट इट, प्रिंट द टी, देन आई विल गेट द जिम्बाब्वे एट द एंड. मैंने अपेंड कर दिया है ना, जिम्बाब्वे इज बीन अपेंडेड. अपेंड मतलब उसमें आखिरी में ऐड कर दिया मैंने, आई हैव अपेंडेड इट एट द एंड. ठीक है, टी डॉट अपेंड. अपेंड इज अ मेथड. नो, दिस इज मेथड एक्चुअली, दिस इज मेथड. ठीक है, अपेंड इज अ मेथड. अब एक एक चीज आपको बताना चालू करता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत काम की चीज है और बहुत सही तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो. एंड दिस विल गिव यू अ वंडरफुल लाइक थिंग्स टू वर्क ऑन विद. नाउ लिस्ट में टेक्स्ट ही यूज करना है क्या? कंपलसरी नहीं है. इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन ऑल्सो गो अहेड विद लाइक we can have a list of numbers also, like, so n equals to round bracket, I can have minus like 43 or 45, 90, then 32, 1, minus 78, 0, 3, 96 or 964, 553, 233, and then you can have like 37 and so on. I can go on like with this number system. ठीक है, अलग अलग numbers मैंने list करके ले ली. ठीक है, now if I had taken these things together, like मैंने जितने भी अभी numbers लिए है, ठीक है, ये बहुत सारे numbers है, इसमें से सबसे छोटा number कौन सा है बाबा? ये पूरे लिस्ट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -78. थैंक यू सो मच. नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन अप्लाई डिफरेंट मेथड्स. अभी सी लैंग्वेज में इसके अगेंस्ट हम लोग सी लैंग्वेज में एरे यूज करते हैं ना, एरे में अलग अलग नंबर्स. अभी छोड़ दो, सी लैंग्वेज के बारे में सोचना भी नहीं है. तो व्हाट आई वांट इज आई वांट टू नो सॉर्ट दिस आउट. सॉर्टिंग करना है मेरे को. ठीक है, आई वांट टू सॉर्ट इट आउट. सो इफ आई डू एन डॉट सॉर्ट, ठीक है, एंड इफ आई प्रिंट, पहले प्रिंट करता हूँ और बाद में भी प्रिंट करता हूँ. सो बिफोर सॉर्टिंग दिस आउट and after sorting this out, so if I run this, you can see that this minus 45, 90 in normal tha, ye jo hum logo ne likha hua wo list, aur uske niche ka agar list dekhte ho to minus 78, minus 45, uske baad 0, 1, 3, 32, 37, 90, 233, 553, 964, single line mein aapka cheez jo hai wo sort hua hai. Very easily it got sorted out. How much like efforts we need? Only the method we have used is sort, directly sort करके. अब मेरे को ये इसमें क्या किया मैंने, ये ascending order है, मतलब चढ़ता क्रम मानते हो ना अपन, ascending order. मेरे को descending order में करना है, तो descending order अगर करना है तो रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू बोल देना है. रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू बोलने से क्या होगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा. एंड देन प्रिंट एन. ठीक है, इफ आई रन दिस नाउ, यू कैन सी दैट पहला ये नॉर्मल लिस्ट था जो हम लोगों ने दिया हुआ, उसके बाद ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता चढ़ता क्रम है वो, और ये उतरता क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर. इट्स वेरी सिंपल, दिस द सॉर्ट. हम लोगों ने सॉर्टिंग देखा, हम लोगों ने अपेंड देखा, हम लोगों ने इवन हाउ टू यूज एंड ये इंडेक्स का स्लाइसिंग कैसे करते वो देखा. नाउ लेट्स टेक अप द थिंग्स अहेड. ये सॉर्टिंग कहाँ लगा हो तुम्हारा? सॉर्टिंग हैव यू अंडरस्टूड?
Yes, sir. Now we can use also a delete. So we can delete the things. मेरे को अभी suppose यहाँ पे जो भी एक number है, वो मेरे को नहीं चाहिए वो index पे. So we can use delete also. Delete use कर सकते हो, append use कर सकते हो, insert कर सकते हो use. You know insert भी है. Now append में आखरी में append होता है, आखरी में ही insert होता है. So अगर मेरे को बीच में कहीं ना कहीं तो insert करना है, तो how I can do that? So let's take it up again. I will take the code. ये है और मेरे को zero के बाद कुछ तो insert करना है ना, zero तो zero के बाद insert करना है. So what is the index for this particular zero is, this is zero, this is 1, 2, 3, 4, 5. मतलब मेरे को sixth index पे कुछ तो insert करना है, so that it will come between 0 and 3. तो मैं क्या करूँगा, n dot insert, ठीक है. अब कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट करना है मेरे को, सिक्स्थ इंडेक्स पे. क्या इंसर्ट करना है, सपोज 777 इंडेक्स, 777 वैल्यू डालनी है. आई विल डू दैट. नाउ इफ आई प्रिंट एन, प्रिंट एन, आई विल गेट 777 इन बिटवीन 0 एंड 3. यू कैन सी दैट ये हम लोगों के ओरिजिनल लिस्ट में नहीं था, यहां पे आ गया. So what I got it as 777 I inserted in that particular place. ठीक है, ये तो लक्षात. Okay, now sir फक्त list number चीज क्यों हुआ, list text जो आहे तसेच असू शकते का, नहीं. List can be something like this. Let's go ahead. So we can have a list of p equals to India, comma number one, like Australia is number two, then New Zealand, is number three. Or we can even have a runs, a cumulative runs बोल देंगे इसको. 1 lakh 1, it's like 1 lakh 22 or 1 lakh some value. ठीक है, then you can have England and then we can have values. So if I print this, p is a list of mixed value in which there is a text also, there is numerical value also. Numerical value bhi hai aur text bhi hai. So we can have both types of data enlisted. You can have, even you can have float values in between. Agar iski jagah pe maine 191.2.21 aise bhi likha na, to bhi chalta hai. There is no problem. And print type of p, अगर मैंने लिख दिया, then you can see that it's a class called as a list. It's called class which is belongs to list. So try and understand this. This is the float number, this is the text, this is the integer number. You can go on, like whatever values we are getting out of it, you can think of it. ठीक है, so list can be a mixed values altogether. अलग अलग वैल्यूज हो सकती है. एंड ये जो इंसर्ट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, जो भी है, मतलब आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आप उसको वर्कआउट कर सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, सो फार सो गुड. हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस सर. ओके, great, let's go ahead. Now we'll have a list. So if I make the count, theek hai, if I wish to create a list of like
rather I will take a list from 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. ठीक है, एंड इफ आई प्रिंट ए एंड प्रिंट ओके इफ एक्स इक्वल्स टू सम ऑफ ए ओके व्हाट इज द सम ऑफ दिस नंबर लाइक ये मेरे को क्या आएगा सम बोलो 55 वंडरफुल वंडरफुल सो I will get it as 55. Now, what is sum? Sum is another function which can be used for the addition of elements inside the list. जो भी numbers है, तो अगर मेरे को उसमें कुछ भी numbers है उनका सबका मिला के एडिशन करना है एंड हियर आप लोगों ने फॉर्मूला लगाया रहेगा है ना व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट यस बोलो बोलो व्हाट फॉर्मूला यू यूज्ड सर वी न्यू इट सर विदाउट फॉर्मूला ओके विदाउट फॉर्मूला तो फॉर्मूला नहीं मालूम है क्या सर वो ट्रिक है एक ट्रिक नहीं फॉर्मूला है उसका बोलो फॉर्मूला है मालूम नहीं पर ट्रिक मालूम है मैं कैसे ओके अगर मैं ले ले आप फॉर्मूला बताऊंगा उसके लिए मैं श्योर नहीं हूं आई विल लेट यू यूज यानी हां हां करेक्ट बोलो n आगे n into n plus 1 divided by 2 Okay, wonderful. So if I have numbers from 0 to 100, अगर मेरे को 0 से लेके 100 तैयार करना है, इसका addition करना है, तो in that case my n becomes 100, ठीक है? So what is the formula? Formula is sum equals to n into n plus 1 divided by 2. तो calculate करो कितना आता है, बताओ मेरे को. अगर मैं यही जीरो से लेके 50 नंबर का एडिशन करना चाहता हूँ तो हाउ मच आई विल गेट इट It will be 50 multiplied by 51 divided by 2. So to 51 multiplied by 25. That will give you. So iske hisab se agar jo bhi multiplication achieve hota hai aapka, that it comes out to be 1275. Agar meko first 30 numbers ka karna hai to, so simply 31 multiplied by 15 kar dena hai. करेक्ट ठीक है ना ओके ग्रेट बेस्ट है ठीक है सो यू शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग ओके 1 2 अगर मेरे को अभी लिस्ट बनाना है If I wish to create a list of values, ठीक है? तो there is a concept called as a range. So range हम लोग use कर सकते हैं. Now if I wish to use the range from 0 से लेके 100, मेरे को ये number का range चाहिए. And I wish to create this particular thing. So let's do it. अगर मेरे को ये रेंज में बनाना है तो कैसे बना सकते हैं हम लोग सो विल यूज दिस रेंज
फंक्शन, ठीक है, रेंज फंक्शनैलिटी हम लोग यूज करेंगे. तो लेट्स गो बैक. Let's create a list. Now, if I wish to create a list, p equals to in square bracket, I am using the range from 0 se leke 100. Okay. So, if I run this and print the value of p, you will be able to see that. Okay, yeah, I should have them. Actually, it should be a list. Of this. Okay, now it will give me a, now you know 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so on and so forth, correct? So I can create a list of all the 100 numbers. Okay, as again told you, like yahan pe agar main dekhta hu aakhri digit jo aakhri number hai wo 99 hai. So इनिशियल वैल्यू जो इनिशियल इंडेक्स है उसको इंक्लूड किया जाता है, आखिरी इंडेक्स है उसको एक्सक्लूड किया जाता है. दैट्स व्हाई वी हैव रीच टिल 99. सो 0 से लेके 99. नाउ इफ आई विश टू इंक्लूड 100, आई कैन गो टिल 100. सो 101. सो 101 से क्या होगा, यहाँ पे मेरा आखिरी जो वैल्यू है वो 100 आएगा यहाँ पे देख, ठीक है. सो आई कैन क्रिएट अ लिस्ट. इवन आई कैन गो विद सम अदर रेंज ऑल्सो. ठीक है, I can go with some other range also. So 0 से लेके 101, मेरे को इसकी जगह पे I can start it from 23 and I can go till 33 और 34 तक के जाएंगे. So I can have that too. So 23 से लेके 34 तक के मेरे को अगर जाना है तो I can create the list like that. तो इसका फायदा क्या होता है कि जब भी मेरे को कोई पे भी इंडेक्सिंग वगैरह करना रहता है एंड आई नीड एन लिस्ट वेयर द नंबर्स आर लाइक रिटन इन दैट फैशन, देन दिस पर्टिकुलर थिंग हेल्प्स मी टू गेट थ्रू. मेरे को ये इजीली मैं तैयार कर सकता हूँ. ठीक है, आई कैन गेट दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, लेट्स गो अहेड एंड विल हैव समथिंग लाइक दिस. नाउ I can start it from 0. I will go till 50, let's go till 30, and I will go at the step of 2. With the step of 2, so let's see kya aata hai iska out. You can see that all the 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 26, 28. What do you mean by this? This doesn't get included, and every time the step is incremented by 2. तो मेरे को सब क्या मिल गए, ये इवन नंबर्स मिल गए. ओके, लेट मी नो, अगर मेरे को सब ऑड नंबर चाहिए तो मैं को ये रेंज में क्या चेंज करना पड़ेगा, इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, सो दैट आई विल गेट ऑल द ऑड नंबर्स. सपोज आई विल टेक इट एज क्यू, मेरे को क्या चेंज करना पड़ेगा जिससे मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0 30 31, ये 0 से 0 की जगह पे मैं 1 से चालू कर दूंगा सिर्फ. इफ आई स्टार्ट इट फ्रॉम 1, आई विल गेट लाइक 1 लाइक 3 देन 5 7 9 एंड सो ऑन एंड टिल 29. लेट्स सी डू वी गेट इट दैट वे. So you can see that we have got 1, 3, 5, 7, 9 till 29, all the values. So I can go with odd list, I can go with even list. Okay, tumhala sagat, no, when we used to be like kids, like 8th, 9th, 10th, to ghar mein hammering hota tha, hum logo ko bataya jata tha bar bar ki baba table बाय हार्ट कर लो और पाड़े पाठ करा रे, पाड़े पाठ करा. अभी भी बहुत सारे लोग आपको बात करते हैं कि पाड़े आने चाहिए या आपको टेबल्स बाय हार्ट होने चाहिए. तो सबसे वियर्ड लाइक कौन सा टेबल आपको पसंद नहीं है, नंबर बोल दो, हम लोग उसको प्रिंट करेंगे. थैंक यू सर. 19
Okay, let's do it. So I will give you the list with the range. We'll start with the 19. We'll go till 191 and add increment of 19. 19 का आखरी एंड तो मालूम होने म्हणजे पाडे पार्ट करायचे मध्ये जर मला एवढा इफ आय स्टार्ट हिटिंग इट दैट वे की बाबा मेरे को वो पाड़ा कहाँ पे एंड होता है वो भी नहीं मालूम है तो वो डेंजर है, वो बहुत डेंजर रहता है. सो आई शुड एटलीस्ट नो 19 का है, इट शुड एंड एट 190 एंड टू एंड एट 190 आई शुड बी स्टार्टिंग जो है वो 19 से चालू करके उसको 191, बिकॉज दिस 191 माइनस 1 तक के रेंज जाएगा उसका. So and every time it will increment by 19. Every time it will increment by 19. So if I run this and if I print the value of R, I will get the table of 19. So 19, 1's are 19, 19, 2's are 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190. Likewise, you can go on. Like iska fayda kya hai? Aap से बहुत सारे टेबल तैयार कर सकते हो. नाउ आखिरी में जाके व्हाट्स द पर्पस एक्चुअली व्हेन आई एम डूइंग दिस देयर शुड बी समथिंग. नो इसका कुछ तो फायदा होना चाहिए, इसको हम लोग यूज कर पाए. सो क्या होता है, लिस्ट जब भी आप तैयार करते हो कोई भी लिस्ट, तो आई कैन यूज दिस लिस्ट फॉर वेरियस पर्पसेस. एक्चुअली आई कैन यूज इट फॉर इंडेक्सिंग, I can use it for an addition, I can use it for subtraction. Even there is one like a very interesting application of it that we will see it like most probably today or like agar time permit karta hai to nahi to kal dekh lenge usko. So abhi dekh lenge, chalo kuch bhi problem nahi. Let's take back here, yahan pe jayenge. Or let me tell you again the same stuff. String or string and your list. इसको split method भी work करता है. इसमें भी split method है. ये method work करता है. Split method work करता है. ठीक है. So we'll use that too later in the stage. और इसमें और एक इसके साथ स्ट्रिंग और इसके साथ और एक मेथड है, ज्वाइन मेथड बोलते हैं उसको. ज्वाइन करके रहता है, जो स्प्लिट करता है उसको ज्वाइन भी करने को आता है हम लोगों को. विल यूज इट लैटर इन द स्टेज, डोंट हैव एन इशू अबाउट इट राइट नाउ. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ओके, नाउ व्हाट आई वांट इज सपोज इफ आई हैव नेम लाइक अमित एंड देन आई हैव 98 और 1398 and then semicolon Ravi and comma then comma 5399 okay 99 theek hai and then semicolon Akash theek hai. Akash is like 1678 ठीक है 1678. Now this is the string that you have. ये string है आपके पास. Now what I want is out of this ये जो number है ठीक है okay ये अभी split करके हम लोग निकाल सकते हैं. So split कैसे करना है, suppose this is x ठीक है, x is a string. Now I can take that x ये इसको 1 2 3 है, तो I can take it as a1 a2 a3. a1 will be Amit comma 1398 ठीक है और Ravi comma 5399 and then Akash comma 1678. So this will be A1, A2, A3. ये A1, A2, A3 कैसे आएगा? A1, A2, A3 equals to x dot split on the basis of
सेमीकोलन. सो ए वन ए टू ए थ्री में क्या आएगा, ये वाला टेक्स्ट आएगा. ठीक है, आई कैन स्प्लिट इट, आई विल शो यू, डोंट हैव एनी इशू. नाउ फर्दर आई कैन स्प्लिट इट फर्दर. कैसे, आई विल टेक इट एज ए वन टू इक्वल्स टू एंड ए और अदर ए वन वन एंड ए वन टू. ए वन वन में मेरा अमित आएगा एंड ए वन टू में 1398 आएगा एंड ए टू वन में रवि आएगा एंड ए टू टू में 5399 आएगा. ठीक है, आई विल शो यू दिस थिंग. ठीक है, डोंट वरी. एंड उसके बाद ये स्टेटमेंट आने के लिए मेरे को तीन लिखने पड़ेंगे, तीन स्टेटमेंट. ए वन वन कॉमा ए वन टू इक्वल्स टू ए वन डॉट स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ कोलन रादर ये कॉल कॉमा है ना, इनके बीच में कॉमा है, तो मेरे को इसके बेसिस पे स्प्लिट करना है. एंड देयर आर लाइक Amit and this number, this, there are only two numbers, so I will be splitting. So even A21, A22 is equal to A2 dot split. ठीक है, अब ये split हो गए. What I want is, I want this number, ठीक है, ये number का, ये चार digit number है, ठीक है, ये चार digit number का मैक्स नंबर फॉर्म करना है. ठीक है, मैक्स नंबर फॉर्म करना है. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर आई गेट इट एज 9831. दिस इज द मैक्सिमम फोर डिजिट नंबर आई कैन फॉर्मुलेट यूजिंग दिस. सो टू फॉर्मुलेट दिस मैक्स नंबर आई नीड टू यूज ए वन टू जो है वो यूज करना पड़ेगा मेरे को. ठीक है, सो लेट्स सी कि हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं उस चीज को. Let's go back. Okay, let me ask you, like, should I show you first the split wala part dikhao ki max wala part dikhao, kaun sa dikhana hai? Split sir, split. Split dikhao. Okay, let's go ahead. Like Amit, then comma 1398, right? And then semicolon, Ravi is comma 5399. Then Akash is like comma 6781 53. Okay, there is no big deal. Now let's go ahead. I will take this text in the form of. ये हर बार मैं input करके भी ले सकता था. मैं सीधा इसको क्या करता हूँ, एज ए टेक्स्ट करके ले लेता हूं. देन ठीक है, ये ए है मेरा. अब ए वन ए टू ए थ्री इक्वल्स टू ए डॉट स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ सेमीकॉलन. जहां पे भी सेमीकॉलन है वहां पे ये स्प्लिट हो जाएगा डेटा. जहां पे भी सेमीकॉलन है, यहाँ पे सेमीकॉलन है, यहाँ पे सेमीकॉलन है, सो देयर आर लाइक थ्री, लाइक दो सेमीकॉलन है तो तीन अलग अलग वेरिएबल लगेंगे. और वहां पे हम लोगों ने ए वन ए टू ए थ्री ले लिया है. सो इफ आई प्रिंट ए वन, ठीक है, एंड देन प्रिंट ए टू एंड प्रिंट A3 individually, ठीक है. So you can see that. So we have received it separately. अगर मैं यहाँ पे print A करता हूँ, तो अखंड येणार मला जो text है, तो अखंड. So you get this text. Now we have split. आता split मला परत further splitting करायचे. Further splitting will be A11, A12. Will be A1 dot split. कोणाला स्प्लिट करतोय मी आता, कॉमाच्या बेसिस वरती स्प्लिट करणार आहे. म्हणजे ए वन मध्ये काय आहे, अमित आणि 1398 आहे, मला हे दोघांना सेपरेट करायचंय. सो आय विल बी स्प्लिटिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ दिस. आय विल बी स्प्लिटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस. अँड देन आय कॅन हॅव ए टू वन कॉमा ए टू टू विल बी
a2 dot split on the basis of comma again, and I will use this a31 and a32, which will split this, and now I can print individually. Me sabhi print nahi karat, bas a11 ani print a12. You can see that here I got Amit and 1398 individually. Now itha parant clear dale splitting kala ata. Yes sir, wonderful. So we can split it, we can split it. Now what I want is, what I want is, I want to take the maximum number from this. Tar yala simple kay karayza maiti ka, least madhe convert karayza, yala least madhe convert karayza ani work out karayza. So how to do that, let's see. So let's mi thoda sa vegla parat code ghetto. Ata maya kade a 12 jo ahe, a 12 is 1398, theek hai, 1398 aaya. आता मला याच्यात काय करायचं, एक व्हेरिएबल एक्स गिव्हर विच विल बी अ लिस्ट ऑफ ए वन टू. ए वन टू ला मी लिस्ट मध्ये, ए वन टू ला लिस्ट मध्ये टाइप कास्ट केला आणि तो कशाला असाइन केला, मी एक्स ला असाइन केलाय. सो इफ आय प्रिंट ए वन टू अँड इफ आय प्रिंट एक्स, ओके आय शुड बी नो दिस विल बी अ टेक्स्ट ऍक्च्युली, ठीक आहे, टेक्स्ट म्हणून येतो हा टेक्स्ट आहे. दिस इज व्हॉट वी हॅव, हा टेक्स्टच आहे. ए वन टू चा मी जर टाइप जर बघितला ना इथं, प्रिंट टाइप ऑफ ए वन टू, इट इज टेक्स्ट, ठीक आहे, स्ट्रिंग आता आहे, स्ट्रिंग, इट इज अ स्ट्रिंग, ठीक आहे. सो आय विल बी टेकिंग दिस एज अ स्ट्रिंग, मैंने इसको स्ट्रिंग करके ले लिया. नाउ इफ आय रन दिस, यू कैन सी दैट 1398 ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पे मैंने लिस्ट में कन्वर्ट करने की वजह से ये इंडिविजुअल आ गए. नाउ दिस इज इंडिविजुअल, दिस इज इंडिविजुअल, ठीक है. आई इवन आई कैन कन्वर्ट इट इन टू दिस ऑल्सो, क्या बोलते हैं उसको, आई कैन कन्वर्ट इट इन टू इंटीजर ऑल्सो, बट डोंट हैव एनी इशू, लाइक जरूरत नहीं है. नाउ व्हाट आई नीड इज, आई नीड एन सॉर्टिंग ऑफ दिस, मेरे को इसको सॉर्ट करना है, सिर्फ मेरे को सिर्फ सॉर्ट करना है. सो व्हाट आई कैन डू इज एक्स डॉट सॉर्ट, बट सॉर्ट करते वक्त असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा हो जाता है, छोटा पहले बड़ा बाद में, ऐसे होता है. तो मेरे को रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू मतलब मेरे को रिवर्स ऑर्डर में चाहिए. नाउ इफ आई प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, इफ आई value of the x, if I print it back, then you can see that 9831 jo sabse largest number banta hai wo ban jata hai yahan pe, theek hai, I get it as largest number. ab mere ko isme join karna hai, kya karna hai, join karna hai, kisko join karna hai, x ko join karna hai, x ke contents jo hai मेरे को इसको ज्वाइन करना है ना. व्हाट इज ज्वाइन, अभी जैसे हम लोगों ने स्प्लिट के लिए देखा था, देखो अब यू कैन ऑलवेज गो फॉर ज्वाइन इन पाइथन, ठीक है. सो ज्वाइन इज अनदर मेथड विच कैन बी वर्कड ऑन, ठीक है. सो हाउ दिस वर्क्स, यू कैन ऑलवेज गो थ्रू इट. देखो I want this join, ठीक है. अब मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को बीच में कहीं पे भी नहीं चाहिए कुछ वैल्यू. सो व्हाट हैपेंस इज, जो वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, मतलब यू कैन ऑलवेज गो थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग. सो आई विल प्रिंट, बीच में कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अखंड नंबर चाहिए, तो मेरे को बीच में कुछ नहीं डालना है. एंड ज्वाइन किसको ज्वाइन करना है, एक्स के कंटेंट्स को ज्वाइन करना है. सो ज्वाइन एक्स वेयर आई डोंट वांट टू पुट एनीथिंग इनसाइड, तो अभी दिखा दूंगा कैसे हो दिखता है वो. एंड यू कैन सी दैट 9831 करके दिखाई दे रहा है. अगर मैंने यहाँ पे सपोज लेट्स टेक इट एज
स्टार डाल दिया, अगर मैंने स्टार इंसर्ट कर दिया तो इन बिटवीन एवरी नंबर है, इन बिटवीन एवरी नंबर ये हर एक नंबर के बीच में स्टार इंसर्ट कर देगा, यू कैन सी दैट, लुक यहाँ पे स्टार, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे स्टार, सो व्हाट एवर कंटेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लिस्ट इज देयर, हर एक कंटेंट के बीच में उसने स्टार इंसर्ट किया है, बट आई डोंट वॉन्ट दैट, सो आई केप्ट इट ब्लैंक, ब्लैंक ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग मेरे को ब्लैंक चाहिए था, तो इफ आई डू दिस वे आई गेट द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर, आर यू गेटिंग इट, ये समझ में आया सबको? यस यस सर, यस सर, ओके नाउ, हाँ अभी बताता हूं मजेदार चीज, जब ये इन्फिनिटी क्यू का अगला राउंड रहता ही नहीं, इसमें प्रोग्रामिंग का रहता है, जो प्रोग्रामिंग का राउंड रहता है, तो उसमें ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन रहता है, सिर्फ थोड़ा बहुत अलग तरीके से पूछते हैं, मैंने जो अभी लिखा ना अमित वगैरह जो स्ट्रिंग लिखा था ना, ये अमित कॉमा 1394 वगैरह और सेमी कॉलन वगैरह रवि एंड अदर नंबर, ये सेमी कॉलन और कॉलन कॉमा ये रहता ही है, रवि कॉमा लाइक 9813 वगैरह, तो उसमें क्या करते हैं मालूम है क्या, इसमें क्या बोलते हैं कि इसमें से जो पहला कैरेक्टर है वो पहला कैरेक्टर आ जाना चाहिए, नाउ दिस थिंग वी विल सी टुमारो, डोंट वरी अबाउट इट, दिस थिंग वी विल लुक टुमारो एंड वी विल वर्क इट आउट, एंड दिस विल बी अ चैलेंज फॉर यू ऑल्सो, मतलब चैलेंज भी करके ले लो, इसके सामने ये चारों में से, ये चारों में से जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम डिजिट है, मैक्स डिजिट है, उसका स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पे, मैक्स डिजिट का स्क्वायर यहाँ पे उसके सामने प्रिंट होना चाहिए, सो व्हाट आई शुड गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज ए इक्वल्स टू 81 एंड देन आर इक्वल्स टू 81, बिकॉज यहाँ पे भी 9 है मैक्स डिजिट, यहाँ पे भी 9 है, अगर मेरा आकाश आगे रहता है, आकाश का आकाश रहेगा, एंड इफ आई नो इट्स अ सेमी कॉलन और ये है आकाश, यहाँ पे मैं अगर यूज करता हूँ 6743, then I should get it as A equals to 49. ये आपको करना है. Tomorrow I will show you. There is no problem about it. I will show you this thing. This thing carries a lot of weightage. अगर आपके पास टेक्स्ट ऐसा दिया गया है, उस टेक्स्ट में से आपको जो बात की गई है, मतलब इसमें से जो मैक्सिमम डिजिट है, उसका स्क्वायर वहाँ पे लिखना है. ठीक है? It will be मैक्स फंक्शन यूज कर सकते हो, बट ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मैक्स फंक्शन डायरेक्टली वर्क नहीं करता है, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, व्हेन यू स्प्लिट यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू, एंड इसमें से भी डिजिट निकालना है, डिजिट इंडिविजुअल डिजिट चाहिए मेरे को, तो प्लीज डू चेक आउट लाइक व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, सो मैक्स फंक्शन यूज कर सकते हो क्या, कि अभी जो मैंने मेथड बताया है वो कर सकते हो क्या, ठीक है, एटलीस्ट मेरे ख्याल से जो स्ट्रिंग स्प्लिट का जो है वो पार्ट कर सकते हो. ओके अगेन माय काइंड एंड सिंसियर रिक्वेस्ट, मैंने कल हर एक क्लास के हिसाब से टीवाई के टीवाई ए मेक एंड टीवाई बी मेक और टीवाई सिविल, ऐसे मैंने इंडिविजुअल क्लासेस बनाए हैं, गूगल क्लासरूम्स बनाए हैं, गूगल क्लासरूम्स बनाए हुए, और हर एक का क्लासरूम का कोड भी मैंने आपको दिया हुआ है और उसमें चैलेंज भी दिया हुआ है. ठीक है, सो वो चैलेंज जो था कल का वो पार करना है आपको, एंड जो अभी आज का चैलेंज जो है, जो हम लोगों ने अभी देखा था ना, ये स्प्लिटिंग का ये वाला पार्ट आपको उसमें करना है. ठीक है, यू नीड टू परफॉर्म दिस बिकॉज दिस इज वेर यू रिक्वायर स्प्लिट मेथड एंड ज्वाइन मेथड, तो ये वाला पार्ट मैं एज अ चैलेंज करके दे दूंगा वहां पे. ठीक है, इट विल बी अ चैलेंज नंबर टू फॉर यू. वेयर आर क्लासरूम कोड्स, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, फ्यू ऑफ योर क्लासमेट्स आर ऑलरेडी जॉइंड द क्लास, यू कैन टेक देम, टेक द कोड फ्रॉम देम, और अदरवाइज आई विल लाइक ट्राई टू शो यू द क्लासरूम कोड्स. ठीक है,
One by one, I will show you. You can take a note of your own class. Please do not join other class. It will not help you. Tino mein maine common hi rakha hai. I will show you that too. First is TY A division mechanical ka A division ka jo code hai, wo hai AW44FSP. ये है आपके TY A division mechanical के A division का code है, ठीक है? कैपिटल वगैरह मत लिखो, यू नीड टू कीप इट स्मॉल ओनली, AW44FSP, TY मेक ए डिवीजन का हो गया, ठीक है? TY मेक बी डिवीजन, TY मेक डिवीजन बी, ठीक है? CU75M4N है जो क्लास कोड ज्वाइन करने के लिए, CU75M4N है, ठीक है? दिस इज फॉर क्लास बी, ठीक है, जो टीवाई डिवीजन बी जो है उसके लिए टीवाई मेक का. एंड इफ यू बिलोंग टू टीवाई सिविल द कोड इज 7CZNHDP, ठीक है, 7CZNHDP ये वाला आपका कोड है. सो यू कैन यूज दिस कोर्स. आई विल बी असाइनिंग द नो चैलेंज बाय लाइक 1 o'clock. 1 o'clock तक के वो चैलेंज असाइन कर दूंगा. द सेम चैलेंज जो है वो मैंने असाइन किया हुआ है. अनफॉर्चुनेटली टीवाई सिविल का अभी तक के कोई भी नो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुआ है. आई डोंट नो, आई हैवंट बीन एडेड इनटू योर ग्रुप. जो कॉलेज का जो आपका ऑफिशियल ग्रुप है उसमें ऐड नहीं है, तो मैं डायरेक्टली नहीं, मैंने जो कोऑर्डिनेटर है उनके पास ये दिया था इंफॉर्मेशन, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज नॉट रीच टू यू पीपल. Nevertheless, I have shown you right now. Let's see in TY make A division. So like there are 24 people already joined in and one of the person has handed over. ठीक है, so screenshot दिया है उन्होंने. You can always assign the link also. ये screen मैंने बोला था, यू नो मोबाइल डिवाइस पे थोड़ा सा इशू आता है जहाँ पे यू कैन नॉट डायरेक्टली ओपन द लिंक. यू कैन ऑलवेज ओपन द लिंक बाय क्लिकिंग एज अ डेस्कटॉप वेबसाइट करके, उसको ऊपर के ऑप्शन में चेंज करके कर सकते हो, ठीक है? ओके, आई हैड टेकन सफिशिएंट फॉर द डे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पेशेंस. आई जस्ट विल स्टॉप नाउ. थैंक यू सर. हेलो, या प्लीज गो अहेड सर. यूट्यूब चैनल लिंक शेयर ऑन ऑफिशियल व्हाट्सएप. या आई विल शेयर वी आई विल शेयर दैट वीडियो ऑन ऑफिशियल लिंक, नो इश्यूज, श्योरली.